सो थर्ड आई चक्र आपके स्पिरिचुअल विजन और इनर पीस विजडम को बढ़ाता है, जिससे आपका आपके इंट्यूशन पावर्स बढ़ जाते हैं। आप कोई भी हालत में किसी भी सिचुएशन में सही डिसीजन ले पाते हैं, आप फोरकास्ट कर सकते हैं। यू नो सम ऑफ देम हैव क्लेयरवॉयंस इन देम बिकॉज देयर थर्ड आई चक्र इज वेरी मच एक्टिव। सो अगर आपको थर्ड आपको अपनी साइकिक एबिलिटीज बढ़ानी है, उसके लिए तो थर्ड आई चक्र को एक्टिव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसे एक्टिव कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन ट्राई मेडिटेशंस। डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेडिटेशंस आर अवेलेबल ऑन इंटरनेट, ऑन यूट्यूब फॉर थर्ड आई चक्र। सिंपली आप अगर वो भी आप ना कर पाए तो नॉर्मल जो एक म्यूजिक होता है जिससे आप रिलेट कर सकते हैं, ओनली सॉफ्ट म्यूजिक, मेडिटेशन वाला म्यूजिक, आप उसको लगाकर यू नो आपको जस्ट फोकस करना है आपके थर्ड आई चक्र पे, विच मीन्स इन दिस एरिया आपको फोकस करना है। इवन एंशियंट टाइम्स से हम औरतें जो बिंदी लगाती थी वो यहाँ पे क्यों लगाई जाती थी, उसके लिए भी साइंटिफिक रीज़न यही होता था। और जो आज भी सच है, मोस्ट ऑफ साइकिक पीपल आर वुमन, क्योंकि वो नेचुरली उनमें होता है। जैसे मेल के फर्स्ट लाइक रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा एक्टिवेट होते हैं मोस्टली पहले से ही, उनमें वो एबिलिटीज होती हैं। एंड फॉर फीमेल थर्ड आई चक्रा, थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा एंड इवन क्राउन चक्रा फीमेल्स में ज़्यादा तरीके से एक्टिवेट होता है, इसलिए उसे जगत जननी कहा जाता है। वो जो सब जानती है, सब पहचानती है, ट्रुथ जानती है। सो ऐसे इस तरीके से उसका वर्णन होता है। देन सो आप कौन से क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हैं इस थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करने के लिए? उसमें सबसे पहले आता है लैपिस लजूली, दिस वन विच आई एम वेयरिंग राइट नाउ, लैपिस लजूली। देन सोडा लाइट आता है, उसमें एमेथिस्ट आता है एंड एजुराइट आता है। तो ये सारे क्रिस्टल से ओपन एंड एक्टिवेट करने के लिए आपके थर्ड आई चक्रा को। एंड वन मोर थिंग, त्राटक मेडिटेशन नाम का एक मेडिटेशन का एक विधि होती है, आप ऑनलाइन चेक कर लीजिए। त्राटक मेडिटेशन होता क्या है, उसे कैसे एक्टिवेट करना है, उसमें एक दिया आपको रखना है या फिर एक मोमबत्ती रखनी है और उसके आईलिड पे आपको कंटिन्यूसली देखना है, कंटिन्यूसली लाइक 5 to 7 सेकेंड्स या 5 मिनट्स, अगर आप बिना पलके झपकाए उतना कर सके तो उससे आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है एंड आपके थर्ड आई चक्रा पे फोकस भी बढ़ता है। यहाँ पे ज़्यादा आपको एक व्हाट शुड आई से कि उस पर ज़्यादा वो सेंटर पॉइंट में आके एनहांस हो जाता है। सो ये सारी थी इन्फॉर्मेशन अबाउट थर्ड आई चक्रा, जो हमारा 6th चक्रा है। 7th चक्रा हमारा अभी बाकी है। एंड आई एम सो सॉरी, मैं बहुत दिनों के बाद आई हूँ, कॉज आई वॉज नॉट वेल, सो दैट्स ओके, बट यू गाइज शुड प्रैक्टिस एंड मेडिटेट ऑल दिस थिंग्स, ऑल 7 चक्रास, आपके सारे 7 चक्रास एक्टिवेट एंड बैलेंस होने चाहिए फॉर हेल्दी लिविंग एंड हेल्दी लाइफ, ताकि आप डिप्रेशन, फियर, एंजाइटी से दूर रह सकें। सो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट थर्ड आई चक्रा। इसका कलर होता है वायलेट, इंडिगो वायलेट, मीन्स अभी जो मैंने पहना है तो या ऐसा ही कुछ कलर होता है थर्ड आई चक्रा का। सो फिर मिलती हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर लाइकिंग दिस कंटेंट। एंड इंस्टा पे भी फॉलो कर लो यार, क्योंकि इंस्टा पे बहुत ही कम फॉलोअर्स हैं मेरे, और वहाँ पे मैं एक्चुअली जो अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करती हूँ उनके इमेजेस, उनसे जुड़ी कोई भी एनी अदर इंफॉर्मेशन इफ़ यू वांट, यू कैन डीएम मी डायरेक्टली। एंड यस, आई विल बी अवेलेबल विथ यू गाइज गिविंग योर आंसर्स। मुझे पता है कि इंग्लिश और हिंदी मिक्स नहीं करनी चाहिए,
बट या इंग्लिश इज़ नॉट माई सॉरी हिंदी इज़ नॉट माई फर्स्ट लैंग्वेज, तो उसके वजह से मेरी हिंदी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है. तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं इंग्लिश में थोड़ी बहुत समझा सकती हूँ, हिंदी में भी समझा सकती हूँ, बट या उतनी प्रॉपर हिंदी मेरी है नहीं. सो प्लीज़ बेयर विथ मी एंड या फिर मिलते हैं किसी और चक्रा या किसी और स्पिरिचुअल थिंग के बारे में बात करने के लिए. और एक मेरा सजेशन है गाइस, अगर आपको किसी भी स्पिरिचुअल थिंग के बारे में जानना है आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए. मेरा अगला वीडियो मैं उसी पे बनाऊंगी, उस पर टोटल रिसर्च करके आप तक सही एंड प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पहुँचाने का ट्राई करूँगी. सो ठीक है, मिलते हैं, बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, टेक केयर ऑफ़ योर फ्रेंड्स एंड हैव फन, बाय.